आपण मानंकु डीएस वर्ल्ड को स्वागत। वर्तमान रो सबुठरु बड़ खबर जहाकि इलेक्शन 2024 रो डेट अनाउंसमेंट आज हो जाइछि। ओडिसा रो विधानसभा एवं सारा भारत वर्ष रो लोकसभा अर्थात पार्लियामेंट इलेक्शन रो डेट घोषणा करिछंती इलेक्शन कमिशन ऑफ इंडिया। भारत रो चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया जे कि राजीव कुमार एक प्रेस कॉन्फ्रेंस माध्यम रे आज इलेक्शन घोषणा करिछंती। एठी मध्ये मु आपण मानकु कहि रखबा पई चाहिबि सारा भारत वर्ष रे 26 टी असेंबली जे बाई इलेक्शन होबार अछि तहार मध्ये डेट घोषणा होईछि। ता सहित ओडिशा आंध्र प्रदेश अरुणाचल प्रदेश सिक्किम एवं जम्मू काश्मीर रो विधानसभा रे इलेक्शन रो डेट मध्ये घोषणा होईछि एवं संपूर्ण भारत वर्ष रे पार्लियामेंट इलेक्शन पई मध्ये डेट घोषणा होई जाईछि। पार्लियामेंट इलेक्शन संपूर्ण 7टी फेज रे होबो जाकी आगो को राजीव कुमार पार्लियामेंट इलेक्शन रो जो शेड्यूल कहउचंती ताहा वर्तमान आपण माने देखंतु। 24 द टर्म ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबलीज ऑफ आंध्र प्रदेश उड़ीसा अरुणाचल सिक्किम आर आल्सो ड्यू टू एक्सपायर इन जून 24। जम्मू कश्मीर असेंबली में भी चुनाव ड्यू हैं। निर्वाचन तारीख घोषणा करबा पूर्वरु मिस्टर राजीव कुमार राजनैतिक दलगुड़ी को मध्य सायराना अंदाज रे कौन कही थिले सुनंतु। राजनीतिक दलों को बहुत पर्सनल अटैक से बचना चाहिए। फिर मुझे बदर साहब का एक शेर याद आता है, दुश्मनी दुश्मनी जमकर करो लेकिन ये गुंजाइश रहे, दुश्मनी जमके करो लेकिन ये गुंजाइश रहे, जब कभी हम दोस्त हो जाएं तो शर्मिंदा ना हो। और वैसे भी आजकल जल्दी जल्दी दोस्त बनना और जल्दी जल्दी दुश्मन बनने की प्रक्रिया थोड़ी ज्यादा चल रही है, तो पार्टीज कम से कम ऐसा ना गंदा बोलें कि वो एक दूसरे के दुश्मन बन जाएं और फिर कुछ ना हो सके। क्यों राज्य रे केतोटी फेज रे एवं क्यों क्यों तारीख रे गैजेट नोटिफिकेशन हेबो एवं निर्वाचन केबे हबो एवं रिजल्ट केबे बाहरिबो ताहाकु नै कोन कहिथिले राजीव कुमार सुनंतु। वी अनाउंसिंग शेड्यूल in three phases, first for the by-elections. There are 26 assembly constituencies in the country jahan by-poll hona abhi hai due. Bihar, Gujarat, Haryana, Jharkhand, Maharashtra, Tripura, Uttar Pradesh, West Bengal, Telangana, Himachal Pradesh, Rajasthan, Karnataka, Tamil Nadu. In sab rajyon mein बाई इलेक्शंस होना ड्यू है। आज तक की जितनी भी वैकेंसी थी बाई इलेक्शंस की 26 की 26 हम पूरी कर रहे हैं ताकि हमारे खाते में कोई भी वैकेंसी ना रहे। और ये उसी फेज में होंगी जिस फेज में पार्लियामेंट्री इलेक्शन उस पर्टिकुलर इलाके में हो रहा है। वो कब हो रहा है वो मैं आपको जब फेज आएंगी तो उसमें दिखा दूंगा। बट ऑल दी 26 असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसीज विल गो टू द बाई पोल सो दैट ड्यूरिंग दिस इलेक्शन इटसेल्फ वी कैन कंप्लीट दिस एंटायर प्रोसेस। अगर आपने नोट कर लिया हो तो नाउ आई कम टू द असेंबली इलेक्शंस। साथियों, चार राज्यों में असेंबली इलेक्शंस जैसे मैंने बताया था जून में खत्म हो रहे हैं। सिक्किम जो 2 जून को विद 32 असेंबली सीट्स, उड़ीसा जून 24th जून विद 147 असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसीज, अरुणाचल प्रदेश ऑन 2nd of June विद 60 असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसीज, आंध्र प्रदेश ऑन 11th June 24 विद 175 असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसीज। दीज आर द साइमल्टेनियस इलेक्शंस टू द पार्लियामेंट। दे विल बी हेल्ड साइमल्टेनियसली। They will also be held in the same phase where the parliament elections will be held. So now, when I tell you the parliamentary elections, then I will tell you. But in case of Andhra Pradesh, the date of issue of gazette notification would be 18th of April 2024, a date of poll would be 13th May 2024. So Andhra ke case mein notification 18 April 24 ko hoga. और डेट ऑफ पोल 13th May 24 को होगी। इसके बाद अरुणाचल प्रदेश में
डेट ऑफ गजेट नोटिफिकेशन 20 मार्च को होगा और डेट ऑफ पोल 29 अप्रैल को होगी। 20 मार्च को गजेट नोटिफिकेशन, 29 अप्रैल को डेट ऑफ पोल, सॉरी 19 अप्रैल को, 20 मार्च 19 अप्रैल। इस प्रकार सिक्किम में भी 20 मार्च और 19 अप्रैल, 20 मार्च को नोटिफिकेशन, 19 अप्रैल को डेट ऑफ पोल। उड़ीसा में फर्स्ट नोटिफिकेशन, दिस विल बी कंडक्टेड इन फेजेस एंड फर्स्ट फेज वुड बी ऑन 18th अप्रैल एंड डेट ऑफ पोल वुड बी 13th मई। फिफ्थ फेज में होगा सेकेंड फेज ऑफ द असेंबली ऑफ उड़ीसा 26th अप्रैल एंड 20th मई। देन सिक्स्थ फेज एंड सेवेंथ फेज ऑल्सो उड़ीसा वुड हैव द असेंबली इलेक्शंस, सिक्स्थ फेज बीइंग ऑन 29th अप्रैल एंड 25th मई इलेक्शंस। ये सब आपके साथ में हम अभी शेयर कर रहे हैं ताकि आपको लिखने में, रिपोर्ट करने में इसको आसानी हो। कमिंग टू द जनरल इलेक्शंस, टू द लोकसभा, जो विश्व का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक त्यौहार है, सबसे बड़ा लोकतांत्रिक त्यौहार, बिगेस्ट, 543 पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसीज, ऑफ विच 84 आर रिजर्व फॉर एससीज एंड 47 आर रिजर्व फॉर एसटीज। तो इस 543 पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसीज के महात्यौहार में शेड्यूल बताने से पहले सभी वोटर्स का फिर से हाथ जोड़ के आग्रह, अनुरोध, गुजारिश दैट प्लीज ज्वाइन फॉर द वोटिंग, कम ऑन द डे ऑफ वोटिंग, छुट्टी मनाने ना जाएं, जरूर आ जाएं। शेड्यूल ऑफ द लोकसभा पोल फेज वन, विल डू इट इन 7 फेजेस एज वॉज डन लास्ट टाइम, 7 फेजेस। फेज वन विल स्टार्ट फ्रॉम 20th मार्च नोटिफिकेशन, 5 डेज फ्रॉम नाउ, एंड लास्ट डेट ऑफ विड्रॉल वुड बी 30th मार्च एंड डेट ऑफ पोल वुड बी 19th ऑफ अप्रैल। इसमें फेज वन का शेड्यूल एक दिन से हमें दो बार करना पड़ रहा है, फिर बिहार के लिए वहां एक फेस्टिवल है तो नोटिफिकेशन की डेट सेम है, लेकिन बस लास्ट डेट ऑफ विड्रॉल हमें 30 मार्च की जगह 2 अप्रैल सिर्फ बिहार के फर्स्ट फेज के लिए करनी पड़ रही है, क्योंकि वहां त्यौहार हैं और 19 अप्रैल को यहां वोटिंग होगी और पूरी कंट्री में 4 जून को काउंटिंग होगी। सो फेज वन दिस विल लुक लाइक दिस, ये मैप भी हम आपको प्रोवाइड कर देंगे अभी। ये जो येलो पोर्शन है ये ऐसा दिखाई देगा, तो इसमें जो फेज वन का जो मैप है इसमें नॉर्थ ईस्ट, नीचे तमिलनाडु, राजस्थान, सेंटर में छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और उत्तराखंड, और ऊपर में जम्मू कश्मीर की 1 पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसी। ये येलो फर्स्ट फेज का आपके सामने में मैप है। सेकेंड फेज और फर्स्ट फेज में 21 स्टेट्स जाएंगी पोल में। सेकेंड फेज विल नोटिफिकेशन विल स्टार्ट ऑन 28th ऑफ मार्च एंड डेट ऑफ पोल विल बी 26th ऑफ अप्रैल। सिमिलरली हियर इन केस ऑफ J&K बिकॉज ऑफ दी सम हॉलीडे दी डेट ऑफ वन डे वुड बी डिफरेंट, डेट ऑफ सिक्योरिटी ऑफ नॉमिनेशन वुड बी डिफरेंट, बट डेट ऑफ गजेट नोटिफिकेशन और डेट ऑफ पोल वुड बी कॉमन। फेज वन में 21 राज्य पोलिंग में जाएंगे और फेज टू में उसमें से और राज्य जुड़ जाएंगे। सो दिस इज द मैप विच वुड बी फेज टू, जिसमें हम नॉर्थ ईस्ट में काफी जगह चुनाव को कंप्लीट करते हुए, तमिलनाडु में कंप्लीट करते हुए, सेकेंड फेज में राजस्थान को भी कंप्लीट करेंगे। फेज थ्री वुड बी फ्रॉम 12th ऑफ अप्रैल एंड डेट ऑफ पोल विल बी 7th ऑफ मई। इसमें भी टोटल 12 स्टेट्स उस समय में जा रही होंगी,
और इस फेज में 3 नए राज्य में चुनाव शुरू होगा। इसका मैप कुछ इस तरह से दिखाई देगा। राजस्थान हम कवर कर चुके होंगे, तमिलनाडु कवर कर चुके होंगे, केरला कवर कर चुके होंगे, गुजरात इसमें कवर कर लेंगे, नॉर्थ ईस्ट पूरा कवर कर चुके होंगे और हम नए राज्यों को मिला के 3 इसमें नए राज्य भी जुड़ेंगे। फोर्थ फेज में 18 अप्रैल को गजट नोटिफिकेशन होगा और डेट ऑफ पोलिंग वुड बी 13th ऑफ मे। डेट ऑफ काउंटिंग इन द एंटायर कंट्री वुड बी 4th ऑफ जून फॉर ऑल बाई इलेक्शंस, फॉर द असेंबली इलेक्शंस, फॉर द पार्लियामेंट्री इलेक्शंस। इसका मैप कुछ इस तरह का दिखाई देगा। इस समय तक हम इसमें तेलंगाना, आंध्रा, उड़ीसा वुड स्टार्ट एंड बाई दैट टाइम अदर देन दैट एंटायर साउथ इंडिया वुड बी कम्प्लीट, एंटायर वेस्टर्न इंडिया वुड बी कम्प्लीट, नॉर्थ ईस्ट वुड बी कम्प्लीट। और फिफ्थ फेज 26 अप्रैल से शुरू होगी और 20 मई तक चलेगी। 20 मई तक डेट ऑफ पोल होगी, बीच में नॉमिनेशन स्क्रूटनी और विड्रॉल की डेट्स रहेंगी। काउंटिंग ऑफ कोर्स इज 4th ऑफ जून। इट विल लुक लाइक दिस विच इज इन फ्रंट ऑफ यू। एंड फेज 5 में 49 कॉन्स्टिट्यूएंसीज विल बी गोइंग टू द पोल। फेज 6 में 57 कॉन्स्टिट्यूएंसीज विल गो टू द पोल स्टार्टिंग फ्रॉम द गजट नोटिफिकेशन ऑन 29th ऑफ अप्रैल एंड फिनिशिंग ऑन 25th ऑफ मे 2024। इसका मैप कुछ इस तरह का दिखाई देगा कि मोस्टली यूपी, बिहार, बंगाल, उड़ीसा और साथ में कुछ नॉर्थ का पोर्शन चालू रहेगा। लास्ट फेज 7th फेज नोटिफिकेशन विल बी ऑन 7th ऑफ मे एंड पोलिंग ऑन 1st ऑफ जून। तो लास्ट पोलिंग वुड बी ऑन 1st ऑफ जून एंड काउंटिंग ऑन 4th। एंड इस फेज में पूरा पंजाब, हरियाणा भी शामिल रहेगा, बंगाल, बिहार, उड़ीसा। दिस इज हाउ द मैप विल लुक। येलो डिनोट्स द फर्स्ट फेज एंड अकॉर्डिंगली द लीजेंड्स आर गिवन। वी विल शेयर दिस मैप ऑल्सो विद यू।